अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड। ओके सो आज अच्छा हमने आज क्या स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है प्रेशर। ठीक है, बहुत मज़े का चैप्टर है, बहुत ही मज़े का चैप्टर है, आसान भी बहुत है। ओके अच्छा, अब एक प्रेशर, बेसिकली दो तरह के प्रेशर जो आपको पता है जो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहला तो वो है ना जो कि एग्ज़ाम्स करीब आने पे हमारे सर पे चढ़ जाते हैं, एंड दूसरा वो है जिसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया मुझे पता समझ नहीं आया आपको, सही। अच्छा एक लाइन बताऊंगा, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे चलूंगा, एग्जाम्पल्स बताऊंगा, फिर दोबारा वापस आऊँगा एंड देखना फिर समझ आता है। प्रेशर हम लोग बोलते हैं फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, ठीक है, या फोर्स को एक स्पेसिफिक जगह पे एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करने को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। अभी एग्जाम्पल देखो, ठीक है, यू नो बहुत सवाल किए आप लोगों ने चाइल्डहुड में, बड़े सवाल आते थे हमारे दिमाग में और बड़ी खुराफाती जवाब आते थे उसके ना, लेकिन सेंस नहीं बनती थी उनकी। अब सवालों में से एक सवाल था कि भाई जब हम पेंसिल की मोटी वाली साइड अपने हाथ पे रख के दबाते हैं ना तो बस फील होता है, पेन नहीं होती, हालांकि जब हम बारीक वाली साइड रखते हैं ना जो टिप होती है बारीक वाली साइड, वो हल्की सी लगे ना बड़ी पेन होती है। हम लोग कहते हैं बारीक है सुई इसलिए, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या रीज़न है? जब आप पेंसिल की मोटी वाली साइड जिसका एरिया ज़्यादा है आप उसको अपने हाथ पे रख के प्रेस करते हो तो आपको पेन कम होता है, वही टिप वाली साइड को आप थोड़ा सा हल्का सा पुश करते हो तो आपको बहुत पेन होता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि इस साइड से भी आपने सेम फोर्स लगाई, इस साइड से भी आपने हाथ पे रख के सेम फोर्स लगाई, सेम फोर्सेस में हुआ क्या कि इस एग्जांपल पे आपको पेन ज़्यादा हुई, इसमें सिर्फ फील हुआ, कोई चीज़ लग रही हाथ के साथ, है ना। एक और एग्जांपल देखो, अच्छा यहाँ पे देखो बेसिकली हो क्या रहा है कि आप ना हथौड़ी आपने देखी होगी, निंजा हथौड़ी नहीं हथौड़ी हैमर, एंड आप कील को मारते हो कील अंदर जाता है, आप ज़ोर ज़ोर से मारते हो कील अंदर जाता है ना। कभी सोचा है कि जब कील को उल्टा रखा जाए तब हथौड़ी मारे जितनी मर्जी जोर से मारे फिर अंदर क्यों नहीं जाती, क्या मसला है भाई? ये बारीक वाली साइड अंदर चलेगी दवा की लेकिन ये नहीं जा रही, क्या मसला है? हालांकि फोर्स दोनों में सेम लग रही है, दोनों में जोर से हथौड़ी मार रहे हैं, चीटिंग कोई नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल देखो, अच्छा ब्लैक बोर्ड सबके स्कूल में होगा ना, स्टिकी नोट्स लगे होते हैं वहाँ पे, शीट्स लगी होती हैं ए फोर साइज शीट्स, तो पिन होती है इस तरह की ना, आप थंब रखते हो उसके ऊपर एंड ये वाली साइड बोर्ड के अंदर चली जाती है। कभी सोचे यहाँ भी आपने फोर्स लगाई, आपने यहाँ पे फोर्स लगाई ना, वो फोर्स जो है बोर्ड के ऊपर भी सेम ही लगेगी, लेकिन आपके हाथ के अंदर पिन नहीं गई ना, बोर्ड के अंदर पिन चली गई, क्या मतलब क्या हो रहा है ये? ठीक है अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास एक बुक है, आपने उस बुक को अपने हाथ के ऊपर सीधा रख दिया, आपको पता होगा फील हो रहा होगा कि बुक में आपने पढ़ी भी, लेकिन जब आपने खड़ा करके रख दिया तो क्या हुआ, बहुत दर्द शुरू हो गया, आपका हाथ लाल हो गया, निशान पड़ गए। अब भाई थोड़ा सा डीप जाते, सही है। अच्छा जब आपने बुक कैसे रखी, यू नो बुक का मैस है मैटर से बनी है ऑफकोर्स, तो उसका वेट भी होगा, वेट फोर्स होती है जो डाउनवर्ड्स लग रही होती है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और उसका जो फोर्स वो लगा रही है ना तो आपके पूरे हाथ के एरिया पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मानते हो? लेकिन जब आपने बुक को सीधा खड़ा कर दिया ना तो बुक की सारी फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रही है, वो छोटे से एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया आपने, अपने हाथ के छोटे से एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर दी, मानते हो? अच्छा यहाँ पे आ जाओ, अच्छा ये पिन का ई वाली साइज का एरिया बड़ा है, ठीक है, आपने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई ना तो हुआ क्या, ये जो फोर्स आप लगा रहे हो ना वो इस पूरे एरिया के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे आपने क्या किया वही फोर्स आप बहुत छोटे एरिया पे लगा रहे हो, आपने वही सारी फोर्स को एक बहुत ही छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप हथौड़ी मार रहे हो इधर फोर्स लगा रहे हो ना, ये सारी फोर्स जो है जाके बहुत ही छोटे पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है, जिसकी वजह से ज़्यादा बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप यहाँ हथौड़ी मारते हो तो क्या होता है कि जितनी फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो ना वो इस सारे जगह पे इक्वली फैल रही है, और इस पे क्या हो रहा था, बहुत छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही थी। अब यहाँ पे देखो, थोड़े मुश्किल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं,
यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप फोर्स लगाए थे पेंसिल के ऊपर, तो आपका जो पेंसिल का बेसिकली हैंड के साथ कॉन्टैक्ट में थी ना, उस पूरे एरिया पे फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, आपने वो सारी फोर्स को एक छोटी सी जगह पे क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेट कर दिया। अच्छा जी, हम वही पढ़ रहे हैं, फोर्स को एक पतली सी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना या एक बड़े से जगह पे फैला देना, प्रेशर उसे ही बोला जाता है। प्रेशर हम लोग बोलते हैं फोर्स एग्जर्टेड पर यूनिट एरिया, कि भाई पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है ना, पर यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर आ जाओ। ओके, अब थोड़ा समझ आया प्रेशर होता क्या है। सही है, इससे इजी वर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स अगर आ जाए आपको। अच्छा, अब फोर्स प्रेशर हम फाइंड कैसे करते हैं। प्रेशर हम लोग, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स ओवर एरिया, ठीक है, फोर्स एग्जर्टेड पर एरिया। सही है, अच्छा जी, दूसरी चीज़ फोर्स से देखिएगा, बेसिकली रिलेशन देखिए। अच्छा, मैंने आपको चीज़ बताई थी कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन होती है एंड एक राइट हैंड साइड इक्वेशन होती है। सही है, अच्छा जी, अब देखो ये पी प्रेशर एंड ये फोर्स जो है वो दोनों न्यूमिरेटर में है, मानते हो, लेकिन ये पी और ये ए जो है ये न्यूमिरेटर में है एंड ये डिनोमिनेटर में है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, देखो जब भी दो क्वांटिटीज एक न्यूमिरेटर में होती है एक डिनोमिनेटर में होती है, इसका मतलब ये इनका इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का रिलेशन का मतलब ये ताल्लुकात बड़े ख़राब हैं भाई, बहुत ही इख्तलाफात, सगे भाई भी नहीं है, दुश्मन है। एक अगर डिक्रीज करेगा दूसरा इंक्रीज करेगा भाई, और एक अगर इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, बिल्कुल उल्टा उल्टा चलेगा, हर चीज़ उल्टी। और व्हेन टू क्वांटिटीज आर इन न्यूमिरेटर दे बोथ हैव ए डायरेक्ट रिलेशन। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट रिलेशन, इट मीन्स दैट दे आर बेस्टीज, और यू कैन से मे बी ब्रदर्स, बड़े कोई गहरी भाईचारा दोनों के अंदर। अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा, अगर एक डिक्रीज करेगा दूसरा भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा, अभी ऊपर जो पढ़ रहे थे ना हम लोग कि भाई टिप का इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है, दर्द क्यों होती है, और मोटी वाली साइड की दर्द क्यों नहीं होती जब हम पेंसिल की दूसरी साइड से दबाते हैं, तो क्यों दर्द नहीं होती, बिकॉज ये सारा खेल है प्रेशर का। मैंने आपको बताया प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, अब सोचो ज़रा, मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, एंड अगर हम एरिया डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। इस बात को गौर से देखना। अब दोबारा एग्जांपल्स पे, अब एग्जांपल्स आपको थोड़ी चेंज लगेंगे। फोर्स दोनों में सेम है, फोर्स दोनों में सेम है, फोर्स कॉन्स्टेंट है। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा फोर्स को एक छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, एरिया आपने बहुत गिरा दिया। एरिया गिरने की वजह से क्या होगा, सगे भाई नहीं है ये लोग सगे भाई नहीं है, दुश्मन है। एक चीज़ डिक्रीज हो रही है दूसरी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए हल्का सा टच करने में दर्द होती है। यहाँ पे कर दिया आपने, एरिया बढ़ा दिया, भाईचारा नहीं इनके दरमियान, एक चीज़ बढ़ेगी ये दूसरी डिक्रीज होगी, प्रेशर आपने बहुत डिक्रीज कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही है, आपने फोर्स को बहुत ही छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर दिया, क्या कर दिया आपने, यहाँ पे बहुत एरिया छोटा कर दिया। एरिया छोटा करने की वजह से क्या हुआ कि आपके पास प्रेशर इंक्रीज हो गया, एंड यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, एरिया बढ़ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर कम है, आपके हाथ पे जो लग रहा है प्रेशर कम है बड़े एरिया की वजह से, एंड यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है छोटे एरिया की वजह से। वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे भी। अच्छा, मुझे पता है ईजी पीजी लेमन स्क्वीज़ हो गया। अच्छा, इसका एस आई यूनिट, आपको पता है एस आई यूनिट हम लोग हमेशा पकाते हैं, हमारी रवायत है, ठीक है, कि हम जब भी कोई क्वांटिटी करते हैं उसका एस आई यूनिट हम लोग खुद बनाते हैं, आओ बनाते हैं। ठीक है, ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब फोर्स को, फोर्स का क्या है ऐसा यूनिट, सबको पता है न्यूटन्स, आइंस्टाइन न्यूटन, ठीक है, न्यूटन चाचा। अच्छा, एरिया का क्या है, अच्छा एरिया बेसिकली टू डायमेंशनल लेंथ है, लेंथ का क्या है मीटर्स, तो एरिया का मीटर स्क्वायर्ड होगा, एंड वॉल्यूम का मीटर क्यूब होगा। अच्छा, न्यूटन्स और मीटर स्क्वायर्ड, ये जो फ्रैक्शन है भाई ये तो ज्यादती कर रहे हैं, इनके साथ है इसके साथ भी होगा, एंड थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके कर देते हैं, न्यूटन्स पर मीटर
स्क्वेयर्ड आपका फॉर्मूला है, बट इसको आप पैस्कल्स भी कह सकते हो। पैस्कल सबसे आसान है, पैस्कल्स लिख दो, पैस्कल्स पैस्कल्स। अच्छा एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरे पास एक पोट है एंड बुक है। अब देखो यहाँ पे इसका मैस है 10 kg एंड इसका मैस है 5 kg। इसका एरिया है 1 cm, इसका एरिया है 2 cm। अब जो बड़े लाइक बच्चे होंगे वो कहेंगे भाई 10 2s are 20 एंड सॉरी 10 1s are 10, 5 2s are 10, दोनों का सेम प्रेशर है, ऐसा ही है ना। सबसे पहली बात तो भाई ये मैथ्स गिवन है आपको, ये मैथ्स गिवन है आपको, ठीक है। देख लेना इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। लेट सपोज मैं कहता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या है आपके पास 10 है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई करोगे, आपने वेट निकाल लिया 100, ठीक है। और इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप 10 से, 50 आ गया आपके पास। आपको क्या सर 100 1s are 100 and 52s are 100, दोनों का सेम है। भाई आपको याद है मैंने क्या कहा था, प्रेशर और एरिया का इनवर्स रिलेशन है, दोनों दुश्मन है बहुत बड़े। अगर एक चीज इंक्रीज कर रही है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा ना, यहाँ पे एरिया इंक्रीज कर गया मतलब प्रेशर डिक्रीज कर गया होगा। अगर नहीं समझ आ रही लगा के देख लो, फोर्स ओवर एरिया 100/1 कितना आता है 100, यहाँ पे क्या है फोर्स ओवर एरिया 54/2, 25 pascals आपका आंसर आता है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया हो ये प्रेशर वाला मामला, प्रेशर क्या होता है एंड किस तरह करना है। इसके बड़े कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, P1 V1 V2 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 वो कराऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी वो भी कराऊंगा। अच्छा प्रेशर इन लिक्विड्स, अब होता क्या है कि यू नो वाटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स है ना, एंड यू नो वाटर पार्टिकल्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, मानते हो केमिस्ट्री बड़ी होगी। तो होता है क्या जब आप कोई चीज़ डालते हो ना इसके अंदर, तो क्या होता है ये वाटर पार्टिकल्स कोलाइड करते 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 दोबारा से लग लग के इसके साथ भी कोलाइड करते हैं, इसके साथ भी कोलाइड करते हैं, एंड जब कोलिजन होती है तो यू नो ट्रांसफर मोमेंटम होता है, ठीक है। एक तरह की सोचो, वाह थोड़ा सा इस्तेमाल किया अभी रीडिंग्स पूछने वाले, चलो। तो वो पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे इसके सर्फेसिस के साथ, जब सर्फेसिस के साथ कोलाइड करेंगे तो ऑफकोर्स फोर्स भी एग्जर्ट करेंगे, एंड यू नो इसके सरफेस एरिया पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एंड वी से व्हेन अ फोर्स इज बीइंग एग्जर्टेड ऑन अ स्पेसिफिक एरिया दैट इज नोन एज प्रेशर। जब आप किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स एग्जर्ट कर रहे होते हो उसे तो प्रेशर बोलते हैं, है ना। तो ये प्रेशर हो गया। अच्छा एक तो प्रेशर होता है कि भाई इनके रैंडम मूवमेंट की वजह से, सही है, प्रेशर होता है इनके रैंडम मूवमेंट की वजह से, लोग टकराते हैं आके, टकराते हैं इसके साथ तो इसको स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं, सही है, हर तरफ से फोर्स लगती है। अच्छा When an object is immersed in a liquid, the liquid particles exerts pressure on the object, making it squeeze. This pressure is exerted evenly in all directions. अच्छा अब फाइंड कैसे करते हैं, लिक्विड के अंदर प्रेशर फाइंड करने का अलग फॉर्मूला है, वो क्या है, रो जी एच, रो जी एच। अब मैंने कैसे किया था भाई, रो पिलाओ गर्मी बहुत है हाई टेम्परेचर, रो पिला दो गर्मी बहुत है हाई टेम्परेचर, सही है। अच्छा ये रो जो आपका डिफाइन कर रहा था डेंसिटी को, जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एंड एच जो है आपका हाइट एट डेप्थ कह लो इसे, डेप्थ मोस्ट अप्रोप्रिएट है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, अब एक और चीज़ आ गई। अब बेसिकली ना आपके पास जो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, किस पे, डेंसिटी पे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पे एंड डेप्थ पे। अब देखो ये तीनों जो है ये कहाँ पे, न्यूमिरेटर पे। वट इज मीन बाय दिस, इट मीन्स दैट दे ऑल हैव डायरेक्ट रिलेशंस, तीनों भाई 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 बहन है बहुत ही पक्के। अगर एक चीज़ इंक्रीज करेगी दूसरी भी इंक्रीज करेगी, अगर एक चीज़ यहाँ पे डिक्रीज करेगी दूसरी भी डिक्रीज करेगी, भाईचारा है ना। अभी एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक बॉक्स है हमारे पास, एक कैन है, अच्छा जी इसकी डेप्थ है 1 cm। अच्छा एक बात याद रखनी है, रो जी एच में ना हाइट आप डेप्थ लेते हो कि भाई पानी के सरफेस से आपका ऑब्जेक्ट कितनी गहराई में, ये एच जो है ना ये आप इस तरह लेते हो कि पानी के सरफेस से ऑब्जेक्ट कितनी गहराई में, और उसकी ये वाली लेंथ नहीं लोगे आप हमेशा ये डेप्थ दोगे कि उसका पहला सरफेस जो है कितना दूर है पानी के सरफेस से, दिस इज योर डेप्थ। तो इसकी डेप्थ है 1 meter, लेट्स सपोज इसकी 0.5 meter है। अच्छा डेंसिटी किसकी चाहिए होगी, ऑब्जेक्ट की या वाटर की, वाटर की डेंसिटी, सॉरी सॉरी हाँ वाटर की डेंसिटी चाहिए होगी,
एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ की चाहिए होगी, अर्थ की, भी अर्थ पे कर रहे हो ना, किसका इतना दिमाग है कि मार्स पे जाके अगर एक्सपेरिमेंट, ठीक है 9.8 आप लोगे, जब तक मेंशन ना किया जाए, स्पेसिफाई ना किया जाए कि 10 लेनी, तब तक आप 9.8 ही लोगे, क्यों पंगे लेने। अच्छा जी, अब बेसिकली मैंने आपको बताया एक चीज कि डेंसिटी डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, डेंसिटी एंड डेप्थ। अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है क्योंकि वाटर है, लिक्विड है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कॉन्स्टेंट है बिकॉज यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑन द सेम प्लेनेट। तीसरी चीज़ एंड आखिरी चीज़ पे आपका प्रेशर डिपेंड करेगा, वो है डेप्थ। जितनी ज़्यादा गहराई में होगा ना आपका ऑब्जेक्ट, उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, एज वी नो डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा गहराई में होगा ना उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, क्यों, आप होता क्यों है, जैसे जैसे आप गहराई में जाए जाते हो ना, आपके ऊपर के वाटर पार्टिकल जो हैं वो भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटी की वजह से वो भी नीचे फोर्स लगाते होंगे, नीचे प्रेशर फोर्स लगाते होंगे। अब जैसे जैसे नीचे जाते हो ना, ऊपर पानी का मैस भरता जाता है, जिसकी वजह से नीचे ज़्यादा फोर्स लगी होती पार्टिकल्स के ऊपर, छोटे ऐसे वैसे पार्टिकल्स, सारे पार्टिकल्स से बड़े 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 ये नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा वेट लगा रहे हैं। तो नीचे वाले पार्टिकल्स है ना, वो इस वेट की वजह से ज़्यादा तेज मूवमेंट करेंगे, इनकी मूवमेंट एज कम्पेयर टू अपर पार्टिकल ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलिजन करेंगे, और उसके बाद जो बॉक्स है इसके ऊपर जो पार्टिकल्स है ना, इसका वेट भी इसके ऊपर होगा। तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ेगी ना, नीचे पार्टिकल ज़्यादा तेजी से कोलाइड करेंगे और ऊपर से ऊपर वाले पार्टिकल्स का मास भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज होगा। समझ आ गई है, बस यही समझ लो कि प्रेशर डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, रो जी एच, ठीक है, डेप्थ पे जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें देखो मैंने फाइंड भी किया हुआ है, तो पहले का फाइंड करते हैं। मैंने लिया इसकी डेंसिटी ली मैंने, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ ली मैंने, और यहाँ पे मैंने ले ली डेप्थ। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने लिया 1000 डेंसिटी, 9.8 ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ, एंड 0.5 जो है मेरा डेप्थ आ गया। देखो यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर हाफ है, इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है। अच्छा इसका प्रेशर नहीं, इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इसके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट डजेंट मैटर, डजेंट मैटर ऑब्जेक्ट लोहे का है, सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, जिस मर्जी का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें देखो, अच्छा क्या लगता है कि आपके पास सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, ए पे, बी पे, सी पे? टैंक बना हमारे पास, पानी सारा अंदर, प्रेशर हमने तीन सुराख कर दी यहाँ पे, देखने के लिए प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा है। प्रेशर डिपेंड्स ऑन थ्री स्विंग्स पे, रो जी एच। डेंसिटी क्या है, सेम। ग्रेविटेशन क्या है, सेम। किस पे डिपेंड करेगा, डेप्थ पे। डेप्थ पे जिस जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी ना उतना ज़्यादा प्रेशर होगा। सी पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स है ना, सबसे ज़्यादा पार्टिकल जिसके ऊपर है वो उतनी नीचे फोर्स लगा रहे होंगे, उनका वेट उतना ज़्यादा होगा, तो इतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, समझ आई। इसलिए टंकियों में ना, जो आपके घर टंकियाँ लगी होती हैं उसके नीचे पाइपलाइन, पाइप लगाया जाता है, ना कि ऊपर, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो आपकी टूटी हो तो आपके शावर्स तक पानी आराम से पहुँच जाए, सही। सी हैज़ द मोस्ट प्रेशर बिकॉज ग्रेटेस्ट डेप्थ। अच्छा जी नेक्स्ट, आज यहाँ पे देखो, अच्छा हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये तीन पाइप्स मैंने बनाए, डब्बे जो भी कह लो। अच्छा जी इसके अंदर पानी है सारा, और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, किसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर डिपेंड्स ऑन थ्री थिंग्स, रो जी एच, सही है। डेंसिटी पानी है, सबकी सेम है। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ अर्थ पे कर रहे हो, सबकी सेम है। अब डिपेंड करेगी डेप्थ पे। अच्छा ये हाइट भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, डेप्थ भी सबकी सेम है, ये भी काट दो, मतलब सेम होगा ना। बस ये याद रखना है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है रो जी एच। जब तीनों ही सेम है तो फिर प्रेशर भी सबके ऊपर सेम लग रहा होगा। इट डजेंट डिपेंड कि आपका पाइप ज़्यादा नैरो है, मोटा है, या बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, प्रेशर सेम होगा उसके ऊपर। क्वेश्चंस पे आ जाओ। ऑयल ऑफ डेंसिटी इतनी ज़्यादा, मीटर क्यूब स्टोर्ड इन अ लार्ज टैंक। भाई ये डेंसिटी का जो है ना, डेंसिटी है किसकी, एक ऑयल टैंक है उसके अंदर ऑयल है, ये उसकी डेंसिटी है, ऑयल की डेंसिटी। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ 10 दिया, अंक खोल के देख लेना, वरना
बेसिकली 10 ना दिया हो तो 9.8 देंगे. वट इज द प्रेशर ड्यू टू ऑयल 6 meters बिलो इट्स सरफेस. अब सुनो जरा बात क्या हुई कि ये आपके पास ऑयल टैंक है भाई, दिस इज ऑयल टैंक एंड इसके अंदर आपके पास ऑयल है, सही. ऑयल की डेंसिटी गिवन है आपको, ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन गिवन है. अब वो कह रहे हैं ये सरफेस है इसका, ये सरफेस है इसका. लेट सपोज 6 meters जहाँ पे, वो कह रहे हैं 6 meter गहराई पे ऑयल का प्रेशर कितना होगा, कि अगर हम इतनी गहराई पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो ऑयल उसके ऊपर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा. कैसे फाइंड करेंगे? रो जी एच ना. आपको डेंसिटी गिवन है, आपको ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन गिवन है, आपको डेप्थ भी गिवन है. लगाओ और फाइंड कर लो सिंपली. इतना आसान क्वेश्चन, अभी तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल आएंगे इसके बाद, कल इंशाल्लाह मुश्किल करेंगे. किस स्पीकर के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेशर? ए वाले को तो निकाल दो, सबसे ऊपर है, डेप्थ इसकी है ही, सरफेस पे इसके अंदर प्रेशर क्या लग रहा होगा एटमोसफेरिक के अलावा. ठीक है, ओके. और यहाँ पे देखो, अच्छा इसको भी निकाल दो. ठीक है, या अच्छा इससे काम करना, एक काम क्या करना कि ना बॉक्सेस बना लेना. बॉक्सेस क्या करना, बॉक्सेस यहाँ पे वन बॉक्स, वन सर्कल आ रहा है, टू सर्कल आ रहा है, थ्री सर्कल आ रहा है. यहाँ पे वन सर्कल, टू सर्कल, थ्री सर्कल, फोर सर्कल, फाइव सर्कल, सिक्स सर्कल्स आ रहे हैं. यहाँ पे वन टू थ्री सर्कल्स आ रहे हैं. अच्छा, तो जहाँ पे ज़्यादा सर्कल्स फिट आ रहे हो वहाँ का सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा. अगर अगर ये ट्रिक सिर्फ याद रखनी है, अगर अगर आपके पास वाटर हर जगह जो है ना लिक्विड, अगर आपके पास डेंसिटी लिक्विड की और ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन सेम है तो ये ट्रिक इस्तेमाल हो सकती है, वरना ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों कॉन्स्टेंट है. डिपेंड किस पे करेगा? डेप्थ. सबसे ज़्यादा डेप्थ यहाँ पे, ये डेप्थ हमने पानी में लेनी होती, हवा में लेनी होती, सही है. यहाँ पे आ जाओ. अब ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू रेस्ट ऑन अ साइड ऑफ एरिया ए, एक ब्लॉक है, वेट डब्ल्यू है, एक एरिया है ए, उस पर ये रेस्ट कर रहा है. द ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन इज जी, जी ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन है. व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक? अच्छा, प्रेशर नीचे क्या एग्जर्ट हो रहा है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. ऐसे ही है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया. फोर्स क्या हो गया आपके? वेट. वेट इज द फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, याद है. एंड एरिया जिसके ऊपर ये लग रही है, याद रखना है एरिया आपने हमेशा कॉन्टैक्ट एरिया लेना है. जो एरिया आपके साथ सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में होगा ना, आपने वो एरिया लेना है. ये वाला एरिया नहीं लेना, ये ना लेना, ये वाला लेना है एरिया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं थी, फिर क्यों डाली? घुमाने के लिए, है ना. अगर यहाँ मैस गिवन होता तो फिर हम जी से मल्टीप्लाई करते ना मैस को वेट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें ऑलरेडी सब कुछ गिवन है, ये जी से आपको कन्फ्यूज करने के लिए था. सही है, फोर्स, डब्ल्यू इज अ फोर्स एंड एरिया जिसके ऊपर ही एग्जर्ट कर रहे हैं. आई होप मज़ा आया हो पढ़ के मेरे साथ. अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर भी कर देना अगर पसंद आई हो. ठीक है, और लाइव क्लासेस के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया है, रिसोर्सेज भी, फ्री रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई. आई होप यू एंजॉयड द क्लास. ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय. एंड जस्ट मेक श्योर के अगर आप और इस तरह के लेक्चर चाहते हो फ्री, जस्ट लेट मी नो, मैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे फ्री बना लूँगा, कोई मसला ही नहीं मुझे. अल्लाह हाफिज़.